बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने चर्चित चारा घोटाला में नया खुलासा किया है। यह खुलासा बिहार विनियोग अधिकाय व्यय विधेयक 2019 को पेश करने के दौरान किया गया। बिहार में चारा घोटाला का चिन्ह एक बार फिर बाहर आता दिख रहा है। इस बार मामला भैंस की सिंह में मालिश का है। राज्य सरकार ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि साल 1990-91 से 1995-96 तक 5 साल के दौरान भैंस की सिंह की मालिश के नाम पर 16 लाख रुपए का सरसों तेल खरीदा गया था। विदित हो कि चारा घोटाला अपने समय का सबसे बड़ा घोटाला माना गया था। इसके कुछ मामलों में सजा पाकर अभिभाजित बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव रांची की जेल में सजा काट रहे हैं। विधानसभा में बिहार विनियोग अधिकाय व्यय विधेयक 2019 को पेश करने के दौरान यह खुलासा किया। यह विधेयक 1977-78 से लेकर 2015-16 के दौरान किए गए अधिकाय व्यय को विनियमित कराने के लिए पेश किया गया था। आंकड़ों के अनुसार 1990-91 से 1995-96 के बीच 5 साल के दौरान कुल 16 लाख रुपए में 49,950 लीटर सरसों तेल की खरीदारी की गई। भैंस की सिंह की मालिश के नाम पर होटवार दुग्ध आपूर्ति सह डेयरी फार्म के महाप्रबंधक डॉक्टर जेनरल भेंगराज ने वरिष्ठ अधिकारियों और शीर्ष नेताओं की कथित मिलीभगत से तेल की खरीद का फर्जी बिल तैयार किया गया। फर्जी बिलों के माध्यम से अधिक निकासी। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने विधानसभा में बिहार विनियोग अधिकाय व्यय विधेयक 2019 को पेश करने के दौरान कहा कि अत्यधिक व्यय या आवश्यकता को बजट के माध्यम से लिया जाता है। लालू प्रसाद यादव की तत्कालीन सरकार ने इस प्रक्रिया की अनदेखी की। उस दौरान फर्जी बिलों के माध्यम से बजटीय आवंटन से अधिक निकासी कर ली गई। विदित हो कि तत्कालीन अविभाजित बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार के दौरान उजागर हुए चारा घोटाले में बड़े पैमाने पर फर्जी बिलों के माध्यम से अत्यधिक निकासी की गई थी। चारा घोटाले में हद तो तब हो गई थी जब बैलों को कागजों में स्कूटर व कार से ढोया गया था और अब भैंस की सिंह की मालिश का नया घोटाला सामने आ गया है। पटना से बिहार प्लस की रिपोर्ट।